Hello and welcome to We Women Want. This is our weekly show where we raise issues pertaining to women, we celebrate the winners, and we also try and find solutions for those who need us. It's fast becoming a support group for people for women specially to come here discuss their problems or just have a conversation. Today we are going to be in conversation with a group of teachers and school principals we're going to be talking to them what does it feel like to be a woman in the world of education what does it feel like to be the earning member of the family what does it feel like to just being themselves

प्राइमरी uh, स्कूल में हूँ मैं तो स्टाफ मेल है फीमेल है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है हाँ जी। वो ये है कि जब बच्चा माँ की गोद से निकल कर आता है तो हम समाज कितना भी आगे बढ़ जाए पर आज भी यही माना जाता है कि उसको जो वात्सल्य जो प्रेम एक फीमेल दे सकती है वो पुरुष से उतनी अप, अपेक्षा कम रहती है तो इसलिए कोशिश ये होती है हम लोगों के स्कूलों में कि नर्सरी टू प्राइमरी फीमेल स्टाफ ज्यादा हो गुड पॉइंट और बच्चों का आपको लगता है कि मेल दोनों बच्चे बॉयज गर्ल्स दोनों ही आते हैं कि अभी भी लगता है कि लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं बिल्कुल नहीं अब तो गर्ल्स ज्यादा है गर्ल्स गर्ल्स ज्यादा ज्यादा है है और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा समाज बदल रहा है गर्ल्स के प्रति लोगों की जो अब सोच है हुँ. वो बदली है और इवन की गली मोहल्ले झोंपड़ी सभी लोग गर्ल्स हो या बॉय हो अगर वो नहीं पढ़ाते तो दोनों ही बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते बट अगर पढ़ाते हैं तो कम हो गया है बहुत रिश्वत ये सब पहले बहुत था बट अब नहीं है। yes. सविता जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए स्कूल के बारे में टीचर, आपके कॉलीग्स भी ज़्यादा वुमेन ही हैं हाँ जी मेरे यहाँ भी ज़्यादातर वुमेन टीचर्स ही हैं और मेल टीचर भी हैं एक स्पेशल एजुकेटर हैं जो मेल टीचर हैं हाँ. तो वो बच्चों का जो विकास है वो वुमेन प्लस मेल अच्छा। दोनों में ही बराबर ही लगता है मुझे वो भी बच्चों को उतने ही अच्छे से कराते हैं जितने अच्छे से फीमेल टीचर्स कराती हैं और And बच्चे फील दैट गर्ल्स आर बीइंग नाउ नो कमिंग टू द स्कूल जैसे कि दे आर आई थिंक एवरी गर्ल इज इन स्कूल नाउ ओनली आई डोंट थिंक एनी पेरेंट्स आर इन दैट वे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना वो वाला कंसेप्ट अब मुझे लगता नहीं है कि अब है अब hmm. हर कोई पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स बच, बच्चों को चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों एंड बिल्ड्रेन वट ड पेरेंट्स आर फ्राम कुछ मजदूरी वाले बच्चे पेरेंट्स आते हैं कुछ जॉब वाले आते हैं बट बैकग्राउंड इज नॉर्मली बिलो नॉर्मल Below poverty line. Bil below poverty line. And they want to make. This is the first generation of children who are studying there. Yeah, most of them are first generation, but I have uh, parents who have studied from our school also. I see. Oh, so they are yeah. sending their children. how Yeah, nice. they are sending their children to my Back. school. You also same. That is wonderful. हाँ, प्रिया जी एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो आपका क्वेश्चन था कि गर्ल्स अब क्यों आई तो उसका कारण है कि उसमें कहीं न कहीं टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एन और हमारा डिपार्टमेंट इनकी बहुत सारी भूमिका रही है सिर्फ स्कूल खोले ही नहीं गए हैं बल्कि सर्वे किए जाते हैं घर घर जाकर और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई स्कूलों में मिड डे मील मिड डे मील है फ्री एजुकेशन है फ्री आपका हेल्थ चेकअप है अच्छा स्कूल बैग है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं एन आकर सर सर्वे करके आपके मतलब आंगनबाड़ी वगैरह वो भी अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी लेकर हमारे यहाँ आते हैं

इन योर स्कूल आई आई रिपीट द द क्वेश्चन अबाउट गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज का ज़्यादा है 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 या कम है या कम सेम है? नहीं चित्ता? हमारे तो सेम है सेम। और मुझे तो लगता है कि आजकल हर जगह पे जहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर तो पढ़ाना ही चाहते हैं लड़कियों को अपने तो इसके साथ एक लाइन जैसे पहले क्या था कि पहले सब लड़कियाँ गाँव में और उसमें नहीं पढ़ पाती थी पर आजकल तो सब जगह है गाँव में लें शहर में लें कहीं पर भी सभी जगह पढ़ती हैं तो इसके लिए एक लाइन जैसे कि आज तो चौपाल से मतलब चौखट से अगर शुरू करें तो चौखट से चौपाल तक पहुंच चुकी हैं अच्छा। तो चाहे वो गांव हो या शहर हो सब जगह आजकल लड़कियां हैं बराबर लड़के भी उतने ही पढ़।, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं आप थोड़ा अपने बारे में बताइए आप टीचर बनने का क्या प्लान था आपका या बस बन गई नहीं मैं तो चाहती थी टीचर हाँ बिल्कुल यू टू टू वर्क अर्न मनी ये था आपका मकसद नो मैं तो शुरू से ही क्योंकि हमारा परिवार भी सारा जो है टीचिंग स्टाफ ही रहा है घर में भी बाहर भी आसपास सब टीचर मम्मा मेरी टीचर थी नाना जी मेरे टीचर थे तो ऐसे मुझे भी लगता था मम्मा जब आती थी तो उनके बाद फिर हमारा काम शुरू होता था हाँ। कई बार ऐसा होता था कि मम्मा साड़ी रख दिया उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों साड़ी पहनकर एक दूसरे को एक स्टूडेंट बन गया एक तो एक हाँ। वहीं से शुरुआत हो गई थी और दूसरा मैं म्यूज़िक डांस इसमें बहुत लेती थी पार्ट लेकिन डेडिकेशन से पढ़ाना जो था वो मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि मैं टीचर ही बनूंगी और आज भी अभी भी जब भी मैं क्लास में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे मुझे सुनना चाहते हैं तो मतलब स्कूल में भी मुझे लगता है कि बच्चे बड़े खुश हो चाहे लेसन पढ़ाना है या कोई और बात समझानी है जो भी हमारी जनरल भी कई टॉपिक पे बात होती है तो मैं स्टार्ट ऐसे ही करती हूँ कि उनसे एक कहानी सुनाइए कहानी सुना के थोड़ा सा उनको पहले okay. क्लास में उनका एटमोसफेयर उसका आसपास वातावरण अच्छा कर दिया और फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते मुझे एक वो आपका शुरू में जो आपने कहा था मुझे अच्छा लगा दैट यू नो वेमेन को कहते हैं नर्चर तो जैसे छोटे क्लासेस में वेमेन का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ तो पढ़ाई के सिवा आप और भी कुछ सिखाते हैं अच्छे संस्कार अच्छे कहाँ से बिहेव करना हाँ मेरा मानना ये है कि जो वैल्यूज हैं वो घर हो स्कूल हुँ. हो वो बच्चे को सिखाने के साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है तो बीइंग अ टीचर जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि मैं अगर टीचर हूँ तो सिर्फ स्कूल में ही नहीं हूँ या हुँ. प्रिंसिपल हूँ तो स्कूल में ही नहीं हूँ मुझे वो किरदार ऑलवेज अपना और वो लेकर चलना पड़ता है क्योंकि टाइम अगर मैं मार्केट में हूँ तो भी कोई ना कोई बच्चा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है हाँ। तो वो वैल्यूज़ हमें उनको देनी है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं टीचर को आज की डेट में टीचर नहीं रह गया फैसिलिटेटर हो गया तो उसके साथ साथ क्या है कि अगर टीचर ही गई और मैंने ही अगर नेपकिन लिया और ऐसे फेंका तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि बच्चे भी डस्टबिन में डालेंगे नहीं फेंकेंगे तो वो अगर आप करते हैं तो आपके साथ वो बच्चा जरूर करता है तो वैल्यूज ऑब्जर्व से भी आती है तो केवल सीखने से नहीं हाँ तो वो हम कोशिश करते हैं बींग प्रिंसिपल स्टाफ में इस चीज़ को कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि बच्चा वैल्यूज सिखाने से भी सीखे लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी तो आप प्रिंसिपल हैं तो आपको कभी आ, अपना हक जताने में वो या मेल टीचर्स कभी लगता है कि नहीं आप औरत हैं तो हम नहीं बात सुनेंगे uh, कुछ हैव यू एवर थ्रू दैट इन 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 एनी टाइम योर लाइफ नॉट जस्ट द स्कूल वो ऐसा कई बार देखो लाइफ है इतना टाइम हाँ। हो गया ऐसा हुआ लेकिन वुमेन के पास एक पावर है क्या? कि यू कैन चेंज तो अगर सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है समझ रहा है तो मुझे लगता है कि लड़ाई से आप एक शहर जीत सकते हैं देश जीत सकते हैं बट प्यार से आप पूरे दिल पर जहाँ पर राज कर सकते हैं तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है तो वो सामने वालों को भी समझ आ जाता है क्योंकि हमारा भी कोई मकसद किसी को डोमिनेट करना तो नहीं है ना हम सब तो सहयोगी के रूप में भागीदारी के रूप में काम करना चाहते हैं तो हो जाता है आपसी एडजस्टमेंट कभी कभी थोड़ी दिक्कतें आती हैं चैलेंजेस हैं वो तो आएंगे ही तो कई बार ऐसे चैलेंजेस आए बट भागीदारी से निपटे और आगे बढ़े और धीरे धीरे वो चैलेंजेस ही निपटे कि स्टेट अवार्ड फिर उसके बाद नेशनल अवार्ड तक मैं लिया मैंने अच्छा तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अगर इसे कहूँ कि अगर मुझे नेशनल अवार्ड मिला है तो वो केवल मेरा है तो ये नहीं होता है पूरी हाँ। टीम होती है पूरे लोग होते हैं सब सपोर्ट हाँ ये बात और है कि बिल्डिंग दिखती है बट नींव की दिखती नहीं है बट यू नो सविता जी जैसे कि उन्होंने भी कहा कि कि द होल थिंग इज़ को काम करवाना आता है और प्यार से काम करवाना आता है बिकॉज uh, हमने और भी शोज़ किए थे विद विमेन सी उन्होंने एक और बात भी अच्छी करी दैट विमेन आर ऑल्सो मेक गुड एम्प्लॉयज बिकॉज वी नो हाउ टू फिनिश वर्क बिकॉज इतना टाइम है हमें घर का काम भी करना है ऑफिस का काम भी करना है स्कूल का काम सो वी नो कि हमको बाहर सिगरेट नहीं पीना है ड्रिंक्स के लेने जाना है हमें अपना काम करके घर जाना है और घर संभालना है सो आर वुमेन मोर एफिशिएंट। आई थिंक यस वो मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि अ वुमेन कैन डू टेन वर्क्स अ टाइम एट अ टाइम बट अ मैन कांट <laughs> तो मुझे लगता है कि हम ठीक ये बात बिल्कुल ठीक है जब हम एक काम करते हैं तो हमारा ध्यान चार कामों की तरफ और दिमाग चल रहा होता है कि इसके बाद ये करना है या इसके साथ हम ये कर रहे हैं उसके साथ हमें वो करना है तो ये चीज़ हमारी स्कूल्स में भी चलती है हम एक काम हाथ से कर रहे होते हैं एक काम माइंड में होता है कि ये काम भी हमें ये कम्प्लीट करने के बाद हमें ये काम करना है <laughs> तो आई थिंक येस वमेन आर मोर एफिशियंट देन मैन

हमारे कारण हिंदुस्तान जीता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कम थी हमारे जो पति थे और घर में जितने भी जेंट्स थे वो तो टीवी चैनल देखते थे न्यूज़ देखकर हैं हैं ऐसे बैठ जाते थे हम वीमेंस ही थी कि सब ठीक हो जाएगा चलो छोले भटूरे खाओ चलो जलेबियाँ खाओ ये बनाते थे कि सब चैनल ये हटाओ तो वीमेंस कैन डू मच बेटर एट कोपिंग विद क्राइसिस क्योंकि हम लोग आशावान थे कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हमें पता था कि हम घर का कहीं ना कहीं ऊपर से भले कोई ना कहें पर घर का संबल होते हैं हम लोग नींव घर की होते हैं तो अगर हम लोग ही हिल जाएंगे घबरा जाएंगे तो बाकी ज़रूर घबराएंगे हुँ. तो वही चीज़ घर से लेकर और बाहर काम तक जाती है कि अगर समस्याएं आ जाएँ तो मेरी सोच हमेशा यही रहती है कि समस्याएँ हैं तो फिर समाधान भी हैं कोरोना टाइम में तो हुआ भी ऐसा ही था मुझे लगता है जैसे ने अगर घर में किया तो बाकी सबको सिखा भी दिया उन्होंने भी साथ दिया फिर हाँ, क्योंकि जो मेल मेंबर्स uh, नहीं करते थे काम उन्होंने भी सब काम किया <laughs> अपने परिवार में भी या आसपास हमने देखा कि सभी ने हेल्प की चाहे हाँ, बेटे थे चाहे हस्बैंड थे

तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है हम अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकते हैं uh, जब तक बच्चे छोटे होते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमें बच्चों के लिए ये करना है पेरेंट्स के लिए ये करना है हस्बेंड्स uh, के लिए ये करना है घर के लिए ये करना है बट अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये फीलिंग और बढ़ जाती है कि अब हमारा पैसा है हम जैसे मर्जी यूज़ करें उसको दिस इज़ नाउ योर पॉकेट मनी नाउ दिस इज़ आर पॉकेट मनी गुड पॉइंट सो वॉट डू यू डू विद योर मनी दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट के आप uh, आपका पैसा क्या घर के काम में जाता है या कुछ अपने लिए भी रखते हैं फॉर योर नहीं, नहीं एक रेशियो रखा हुआ, रखा हुआ। रखा रेशो है रखा हुआ <laughs> है क्या रेशियो है व्हाट इज द रेशियो आजकल फैशन चेंज होता है उसके साथ तो और एक्सेसरीज चाहिए या कुछ और भी हम लोग जैसे और अच्छा तैयार होना है या कुछ हाँ वो तो उसके लिए है और फैमिली तो फर्स्ट है बच्चे हैं उनके लिए बच्चे हैं उनके लिए अपने घर के लिए ये तो हमेशा ही रही है मुझे लगता है हाँ। फीमेल के लिए पर हाँ जब सैलरी आती है तो एक प्राउड फील तो करते हैं पेरेंट्स के लिए भी पेरेंट्स भी करते हैं वो भी हमें बोलते हैं कि आज आप मतलब जिस जगह पे हो और हमें भी लगता है कि हम भी पेरेंट्स के लिए थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया हमें आज जहाँ तक पहुँचे हैं

स्टेटस अप हो गई होगा और कुछ मेरे जैसी या कुछ और ऐसी भी कहें कि जी हम कमा कर लाते हैं और सारा कुछ घर में दे दिया या कुछ ये भी पॉसिबल नहीं है हुँ. हम लोग अपने ऊपर जो खर्चते हैं वो अपनी इच्छा से खर्चते हैं इवन कि सिर्फ अपने ऊपर खर्चना ही नहीं होता है बाकी चीज़ें भी होती हैं कि बच्चों पर भी जो खर्च रहे हैं तो वो भी हम अपनी इच्छा से खर्च रहे हैं तो घर को डेकोर करना है कुछ करना है तो मतलब कहीं कही कहीं और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है हाँ, आज की डेट में ऐसा हो गया है कि पहले तो जमाना ये था कि पेरेंट्स नहीं मानते थे कि नहीं बेटियों का नहीं लेना बट आज ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ अब जब जिनके पास दो बेटियां ही हैं तो इन फ्यूचर मैंने देखा कि समाज में ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और इस कॉन्सेप्ट को मैंने तब ज्यादा स्वीकार किया जब मेरी ही फैमिली में एक रिलेशन मेरे ही देवर के घर जब दूसरी बेटी हुई तो मैंने जैसे ही अपने दोनों बच्चों को कॉल किया मेरे पास दो बेटे हैं तो मैंने जिस बेटे को भी कॉल किया किसी बेटे ने ये नहीं कहा कि मम्मा चाची को दूसरी बेटी उन्होंने कहा वाह किस पे गई है हाँ। मतलब वो कॉन्सेप्ट खत्म है आज की यंग जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जबकि किसी बुजुर्ग को फ़ोन किया कि मम्मा बेटी हुई है या चाची जी बेटी हुई तो उनको लगा अच्छा दूजी कुड़ी हुई है लेकिन आज की यंग जनरेशन में नहीं है तो वही जो आप वाली बात की जब बेटी है तो बेटी बेटों के बराबर है तो शी can do. और अब तो कई जगह आपने देखा होगा कि हमने करगिल युद्ध में देखा बाद में देखा कि जिनके बेटे नहीं है तो अंतिम संस्कार तक बेटियां आगे आ रही हैं तो समाज बदल रहा है जो मैंने कहा था समाज बदल रहा है एंड चेंज टू विमेन वांट Today we are here discussing, um, well, the work-life balance with, with a group of school teachers and school principals. We're talking to them about education, about the girl child, and of course, how, what it feels like to get that paycheck at the end of the day because they're all working women. And Nilamji, uh, all working women. So, what does it feel like at the end of the day? You know, you also have your home, the work-life balance that is happening. How do you make that work for you? नहीं बिल्कुल अच्छे से बैलेंस होता है शुरू से ही हस्बैंड भी हेल्प करते हैं जो भी हम काम इतने सालों से जैसे जॉब चल रही है तो बिना दोनों कहते हैं जैसे कि एक सवारी के लिए जो दो पहिए चाहिए तो दोनों के साथ मिलकर ही होता है बहुत हस्बैंड हेल्प करते हैं शुरू से फैमिली भी तो फिर धीरे धीरे यूज टू भी हो जाते हैं बच्चे भी फिर उसी से ढल जाते हैं नहीं। कि नहीं। कैसे मम्मा पापा आएंगे और फिर उसके बाद ये होगा तो फिर उसी तरह से चल रहे हैं बहुत अच्छे से एंड टाइम डज योर डेट होवर वॉट टाइम गेट होम आप घर कितने बजे आते हैं कैसे चलता है हाँ एक्चुअली आज की डेट में तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा है तो घर आने के बाद भी वो वर्क फ्रॉम होम वाली पोजिशन चल रही है हुँ. लेकिन ये कि फिर भी लोग ये काउंट कर लेते हैं कि टीचर्स ढाई तीन बजे घर आ गए हाँ. मैक्सिमम लेकिन लोग कभी ये नहीं काउंट करते कि टीचर्स मैक्ममम फीमेल टीचर्स शायद चार बजे सुबह उठ जाती हैं तो जो लोग ऑफिस गोइंग हैं वो कभी इतना जल्दी नहीं उठते तो हम लोग जो आप कह रहे थे कि घर और ऑफिस दोनों बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है सेक्रीफाइस जिसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ होती हैं जैसे कि अपनी नींद हाँ। आपको छोड़नी पड़ेगी और अगर आपका मन है या नहीं है बट अब ठीक है समाज थोड़ा चेंज हुआ पर जिस समय हमने नौकरी की और जॉइंट फैमिलीज़ में नौकरी शुरू की तो एक चीज थी प्रिया जी कि इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब तो फिर आप घर में काम का डिनाय नहीं कर सकते वो आपको करना ही है जॉइंट फैमिलीज में तो जो आपकी तो आज की डेट में समाज बदला ना पर हमने वो युग भी जिया है कि हमारा मन नहीं भी है तो भी अगर अदरवाइज एक ही जवाब होता है कि फिर या तो नौकरी छोड़ दो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बिल्कुल मेरा भी जॉइंट फैमिली थी तो आ, मेरी मदर लो और फादर लो ने बोला था कि अगर जॉब करनी है तो फिर आपको घर का काम सारा रेडी करके जाना पड़ेगा नहीं तो आप जॉब छोड़ दीजिए पर फिर उन्हें भी समझाया फिर खुद भी कि जॉब करनी भी जरूरी है इसी तरह से तो टाइम चेंज हुआ है तो मैंने वही कहा कि बिल्कुल जिस टाइम पे शायद हमने स्टार्ट की है जॉब उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था तो उस टाइम पे ये चीजें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा थी कि आप घर का भी पूरा ही करोगे और बाहर का तो करना ही करना है जब आप जॉब पे जा रहे हो तो यू हैव टू गिव फुल टाइम टू योर जॉब यू हैव टू गिव गिव फुल फुल टाइम टाइम टू टू योर चिल्ड्रन यू हैव टू योर होम तो एवरी मैनेज थ्री जॉब्स एट वन थ्री जॉब्स एट वन गो अब चेंजेस हाँ. हैं अब बच्चे जो हैं वो भी हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं आफ्टर अ टाइम जब उनको ये नज़र आता है कि भाई आ, मदर है जा रही है ऑफिस जा रही है या स्कूल जा रही है या कहीं भी जा रही है और आने के बाद भी आजकल ये व्हाट्सएप और ये जो मेल्स हैं इनसे काम और बढ़ गया hmm. घर आते ही पता लगता है ये रिपोर्ट भी भेजनी है वो रिपोर्ट भी भेजनी है तो आप उसमें बिजी हो जाते हो देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट ऑल्सो यू कॉन्ट डिनाई तो उस टाइम पे फिर बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं अब हेल्पिंग हैंड हो गए हैं सभी मेरा ख्याल से फैमिलीज में जहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स हैं या वर्किंग मदर्स हैं या वर्किंग वाइफ्स हैं तो बच्चों को समझना पड़ेगा अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो अदरवाइज वो फैमिलीज आगे चल नहीं पाएंगी कि आपको मिलके काम करना है अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आप सबने कब शुरू किया था काम हमने इट्स थर्टी टू ईयर्स

और जो हम लोगों की एज ग्रुप है तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ तो मैंने कहीं एक कविता लिखी थी बताइए तो वो हम लोगों के एज ग्रुप पर ही फिट होती है कि आपने देखा होगा आजकल तो व्हाट्सएप भी ज्ञान दे रहा है आ, कि भाई हाँ। जो करोगे जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा तो मैंने वहाँ पर कविता लिखी थी कि जो करोगे वही मिलेगा ये सिद्धांत भी हम औरतों के हिस्से आते आते फेल हो जाता है कि जो करोगे वही मिलेगा ये सिद्धांत भी हम औरतों के हिस्से आते आते फेल हो जाता है क्योंकि हम तो बांटती रहीं उम्र भर प्रेम ममता वात्सल्य और करुणा प्यार पर ये सब मिलता तो नहीं लौट कर व्यवहार <laughs> well, जो हाँ। जो हमारा समय था ना कि चाहे 104 बुखार भी हो पर वो तवा जलता था फीमेल काम करती थी आज ऑनलाइन मंगवा लिया जाता है हाँ। तो वो ऑर्डर <laughs> कभी वो किसी और उसमें तो मेरा मतलब है कि वो युग हम लोगों ने जिया है तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ और रही लेकिन ये कि जनरेशन गैप हमेशा से रहा हमारे टाइम वाला जनरेशन गैप कुछ इस तरह से ज्यादा हो गया कि आज के बच्चे फाइव जी हैं हमने शायद बैलगाड़ी भी देखी लेकिन उन्होंने देखा ही सीधा घर के बाहर कार और वो प्लेन और एसी सी ट्रेन और हम लोगों ने वो युग भी जिया है प्रिया जी कि हम लोग स्टेशन पर ही उतरकर और सुराही भरकर पानी भर लेते थे और हाँ। टॉबर लगाकर मदर रख देती थी हाँ। तो वो युग हमने जिया आज के बच्चों को बताओ तो वो हंसेंगे कि स्टेशन पर ऐसे कौन पानी भरता है हाँ। बट आरोप हाँ तो मेरा मतलब है कि उन सब ने वो चीज देखी नहीं तो हमारी जो पीढ़ी है हमने बहुत सारा गैप देखा और हमारी पीढ़ी की जो फीमेल्स हैं अगर लाइफ के सबसे ज्यादा चैलेंजेस भुगते हैं तो वो हमारी पीढ़ी ने भुगते हैं आज हमारे घर में अगर जो हमारी बेटियां हैं बहुएँ हैं तो हम उनके लिए बदल चुके हैं हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं और उनकी दुख दर्द जो हमने भुगता है ना वो समझते हैं कोशिश करते हैं है। मुझे भी लगता है कि ये हमारी पीढ़ी जो रही है जो हम लोग जिस पीढ़ी में रहे हैं हमने अपने पेरेंट्स के साथ भी वो समय देखा है Edges. अब yeah. आने वाले समय में भी जहां पर पेरेंट्स के साथ अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो शायद हम वो वाला टाइम भी अब देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं हैं धीरे-धीरे आजकल ah. सब एकल परिवार में रहना Actually, चाहते द टाइम फॉर अ फैमिली यू एंड <laughs> and are they all working? Yeah, all are working. All are working. So, good. So, end of the day, I think it feels good to have a panel of working women sharing their experiences and women who have seen the change. You know, I really like that. They've seen the old ways. They've also been the dutiful daughter in law, the dutiful wife, mother. And now, being financially independent, teaching their children also the values of the new age. It's a good transition that is happening. But I think we've managed to capture some of it on today's show. It's really been a very delightful discussion. Thank you so much. And thank you all for watching this show. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.